आरसी छाबड़ा ने कहा कि यह कोई घोषणा पत्र नहीं सिर्फ जुमला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा 15 साल में वायदा पूरा नहीं कर पाई, वहीं कांग्रेस ने 5 साल में 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए छाबड़ा ने कहा कि यह घोषणा पत्र भाजपा कांग्रेस की नकल करने की कोशिश की है। यह भूपेश बघेल की उपलब्धि है कि धान पर बोनस का विरोध करने वाले धान की कीमत 3100 रुपए करने की बात कर रहे हैं। जो लोग 2100 रुपए बोलकर नहीं दिए, 300 रुपए बोनस नहीं दिए, जो लोग 15 क्विंटल नहीं खरीदने का निर्णय लिए थे वे अब 21 क्विंटल खरीदने की बात कर रहे हैं। भाजपा घोषणा तो कर रही है लेकिन जनता भरोसा नहीं करेगी। छाबड़ा ने कहा कि मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, जो 15 लाख रुपए देने का वायदा भूल गए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा भूल गए, 100 दिन में महंगाई कम करने का वायदा भूल गए, उनके वादों की कोई गारंटी नहीं है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस ने घोषणा किया है पूरा कर्जा माफ कांग्रेस की सरकार बनते ही करेगी, जो पूर्व में तत्काल किया गया था, और भाजपा की घोषणा में कर्जा माफ का कोई जिक्र ही नहीं। छत्तीसगढ़ में अभी भी किसान मजदूर युवाओं में कांग्रेस पर भरोसा है। वंदे भारत से। जो भाजपा का घोषणा पत्र आया है ना, ये जुमला मात्र है। ये किसानों को फिर से गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सबसे पहली बात, 15 साल जनता ने उनको मौका दिया, वो कभी अपने घोषणा पत्र के तहत काम नहीं कर पाए, चाहे 2100 रुपये समर्थन मूल्य की बात, चाहे 300 रुपये बोनस करें। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जागा है। 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है वो करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल किसानों को ठगा है, यहाँ के नौजवानों को ठगा है, यहाँ की महिलाओं को ठगा है। निश्चित रूप से उनका विश्वास अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा, और कर्जा माफ़ी की इस घोषणा पत्र में कहीं कोई बात नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब 3100 कुछ रुपए की राशि इन्होंने लिखी है, तो एक सरकार इनकी केंद्र में सरकार है MSP के तहत, या तो पूरे देश में उनको इस बात की घोषणा करनी चाहिए। निश्चित रूप से किसान उनकी बातों पर गुमराह नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ के किसान जाग चुके हैं, यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है, और यहाँ की जनता का भरोसा भूपेश बघेल जी के ऊपर है। भूपेश बघेल जी ने कहा सिलेंडर पे सब्सिडी दिया जाएगा, उसके बाद बीजेपी ने भी 500 रुपए की बात। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की कॉपी करने का काम उन्होंने किया है। केंद्र में उनकी योजना है, या तो पूरे देश के लिए उनको तय करना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ के साथ अन्य रेट और अन्य प्रदेशों के साथ अन्य रेट, दूसरे रेट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। केंद्र से तय कर देना चाहिए कि 500 रुपए में हम पूरे भारत देश में गैस सिलेंडर